हाउडी गाइस, कैसे हो सब? वेलकम टू मडरी पंडित्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब देखो, सब बड़े अच्छे से उठे हैं या फिर कल रात को अच्छे से, अभी उनकी रात हो रही है तो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज मड्रिड हैव डिफीटेड जिरोना 4-0। अ स्कोर लाइन नो वन एक्सपेक्टिंग कि भाई इतने गोल मारेंगे। द वे रियल मैड्रिड प्लेड यस्टरडेज मैच, इट वाज एज इफ दे वर प्लेइंग अ फाइनल। दे वर वेरी क्लिनिकल एंड दे परफॉर्म वेरी वेल। तो आज उसी का थोड़ा बात करेंगे, तो लेट्स बिगिन विद इट। एंड सबसे पहले मैं जिस चीज की बात करना चाहूंगा वो है डिफेंस। द डिफेंस ऑनेस्टली हैड अ कोर टू इट। ये कोर कोई टैक्टिकल एनालिसिस वाला नहीं था या फिर कोई एक सुपीरियोरिटी वगैरह। दिस कोर वॉज सिंपली मेंटालिटी। दे हैड द मेंटालिटी टू आज भैया वी हैव टू प्ले फॉर द मैच, आज हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और ये जो सिंपल चीजें हैं आपके प्लेयर जो करते हैं, वो फोकस करते हैं, उसमें डेवलपमेंट चाहते हैं, यही आपको टाइटल्स जिताती है। आपको कल को आपकी परफॉर्मेंसेस नॉर्मल भी रहें बट आपके पास मेंटालिटी है और आप जीतना चाहते हो, देन यू विल विन द गेम्स। एंड दैट इज हाउ फुटबॉल वर्क्स। द इंटेंसिटी, द टेनासिटी बाय द प्लेयर्स वाज ऑन पॉइंट। मतलब आई वाज इम्प्रेस्ड बाय एवरी वन ऑफ देम। From Mendy to Vasquez, from Chuameni to Kavahal, everyone was on point. Talking about Loon का on ball improvement बहुत ज्यादा हुआ है, which to my surprise I was not expecting him to develop in such a small amount of time. यहाँ पे मेरे को एक और चीज जो बोलनी पड़ेगी वो ये है कि लून की तरफ से मेरे को कल जो इंटेंट दिखा कि मैं बॉल को कैसे रखूंगा, बॉल को कैसे पास करूंगा, प्रोग्रेस कैसे करवाना है, वो एक बहुत मेच्योर एक्ट करने का दिख रहा है। यहाँ पे उसने अपनी मैच्योरिटी इंक्रीज किया एज अ गोलकीपर, जो आपको क्लियरली दिख रही है। गेम बाय गेम उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। बात करूं मैं कावाहाल की, तो भाई दैट इज रिलायबिलिटी। मैं यही कहता हूं कि लॉयल्टी को आप क्वालिटी से मेजरमेंट नहीं कर सकते बट रिलायबिलिटी को जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे कल जो कार्वाहाल ने किया वो क्लियरली ये दिखाया कि मैं आपको रिलायबिलिटी भी दे सकता हूं। आप कहीं भी खिलाओ उसे, लेफ्ट बैक, LCB, RCB या फिर राइट बैक, वो हर जगह वही परफॉर्मेंस दे रहा है। कॉन्स्टेंटली उस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है जिसके कारण आपकी टीम अच्छे से रिजल्ट्स ग्राइंड कर पा रही है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेल पा रही है, जिसमें आपको उसको हाईली क्रेडिट देना पड़ेगा। बात करें चुआमेनी की, तो ही हैड एन एक्सेप्शनल गेम। ऑफ कोर्स भाई जब वे ही मतलब हेल्ड डुबिक ना, मतलब आई वाज सरप्राइज बिकॉज ही इज अ सीडीएम, तो आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी वेरी एग्रेसिव ऑन द बॉल बट द वे ही वाज हैंडलिंग थिंग्स, ही वाज एक्चुअली हैविंग एन राइट आइडिया अबाउट हाउ टू हैंडल डुबिक। अब डुबिक इज वन ऑफ दो स्ट्राइकर्स जो अपनी फिजिकलिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है बट जैसे चुआमेनी ने उसको काउंटर किया, जैसे उसने अपने उसको टर्न नहीं करने दिया, बैक टू बैक कनेक्ट करके रखा था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि डुबिक की मोबिलिटी में उसको इश्यूज आ रहे थे। और ये जब मोबिलिटी में इश्यूज आएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बात करूं मैं वास्केज और मेंडी की, तो एक्सेप्शनल गेम्स बाय देम। अब आते हैं मिडफील्ड पे। एंड भाई मिडफील्ड में मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि वाल्वर्दे वाओ, कामाविंगा वाओ एंड टोनी क्रूज, नो वर्ड्स फॉर यू। जो बंदा 10 की 10 लॉन्ग बॉल स्पिन करके 100% पासिंग एक्यूरेसी रख सकता है, उससे आप ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहोगे। कंप्लीटनेस इन ऑल द ग्रिड्स ऑफ फुटबॉल, ही इज द मॉडर्न मिडफील्डर, ही इज द कंप्लीट मिडफील्डर वी टॉक अबाउट। पीपल थिंक कि 60, 70, 80% लॉन्ग बॉल्स पास करना इज अ बिग अचीवमेंट, 90% करना इज एन एक्सट्रीम अचीवमेंट। Toni Kroos just dropped 100%. I don't think people understand how mental that is, how much pass accuracy and the precision this guy has. Clearly, वो दिखता है कि intellect of football cannot be measured in terms. It can only be measured in percentages. And I was in awe of him once again because यार देखो, first of all he brings experience to the team. Secondly, वो team को ये help करता है कि आप ग्रोथ में ग्रोथ हो प्लेयर्स की, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनकी मेंटल अवेयरनेस अबाउट फुटबॉल में ग्रोथ हो। कॉन्स्टेंटली ये ग्रोथ होता रहेगा, कॉन्स्टेंटली टीम की परफॉर्मेंसेज इंप्रूव होती रहेंगी। यहाँ पे हमें वो देखने को मिला है विच आई माई सेल्फ एज अ फैन अप्रिशिएट अ लॉट। ये जो कल हमने मैच जीता है वो नॉट जस्ट अ विन है, इट्स अ ह्यूमिलिएशन। हमने ह्यूमिलिएट कर दिया कल जिरोना को और वो क्लियरली ये दिखा रहा था कि कितना एक्सपीरियंस वहां पे भोंगता है। यहां पे मैं बात करना चाहूंगा जो जूड बेलिंगम की, तो भाई वाओ 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 एंड वाओ बिकॉज दैट प्लेयर जस्ट केम टू रियल मैड्रिड एंड नाउ ही हैज टेकन रियल मैड्रिड ऑन हिज बैक एंड ही इज लाइक कि नहीं, आई विल गेट देम टू द टाइटल। दिस इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी आई वांट फ्रॉम माय प्लेयर्स बिकॉज ऐसी मेंटालिटी वाले प्लेयर्स ऑलवेज विन टाइटल्स, दे आर हंग्री फॉर मोर, दे नेवर स्टॉप. उनकी दिमाग में कभी ये नहीं आता अच्छा मैं इतना जीत गया आगे क्या. दे ऑलवेज थिंक अबाउट अच्छा मैं ये फिर से जीत सकता हूँ, मैं अच्छा ये फिर से जीत सकता हूँ, आई विल डू इट डू इट डू इट. दैट इज वॉट रियल मैड्रिड ब्रिंग्स टू यू. ये क्लियरली आपको वही आइडिया देता है कि हमारे यहाँ पे मेंटालिटी क्या इंस्टिल की जाती है. बात करूं मैं विनीशियस की तो विनीशियस कल हैड हिज प्रोबेबली द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ रियल मैड्रिड जर्सी एंड ही एट यान कूटो अलाइव. बाय गॉड कल विनीशियस वाज ऑन अ गॉड मोड, मतलब ही वांट्स टू किल एवरीवन कल की गेम में, एंड वो दिख रहा था. इतना ज्यादा प्रिसीजन, इतना ज्यादा एक्यूरेसी, इतनी ज्यादा कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम. मैंने विनीशियस को इतना कमिटेड नहीं देखा है गेम के प्रति. जो कल उसने परफॉर्मेंस दी है वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि भैया व्हेन आई एम इन मूड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू. मैं हर एक एंगल से खत्म करूंगा, फ्रॉम पासेस टू गेटिंग द ड्रिबल्स इन टू गेटिंग द वो एक्सेप्शनल गोल. एक्सेप्शनल गोल, नॉट इवन वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हाउ गुड द गोल इज. द क्वालिटी ऑफ द गोल वॉज इमेंस, द शॉट टेक्निक वॉज प्रीमियम, मतलब टॉप टियर, एंड प्रीमियर मतलब ड्रिबलिंग एबिलिटी. भाई विनीशियस डिस्प्लेड अ टोटल लेफ्ट विंगर परफॉर्मेंस एंड अ नंबर 7 परफॉर्मेंस एट रियल मैड्रिड, बिकॉज वो उस नंबर 7 को कल जस्टिफाई किया है विनीशियस ने अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ. एंड मैं यही कहूंगा कि हर एक रियल मैड्रिड फैन को कि ये विनीशियस हमें ज्यादा पसंद आता है. आई थिंक सो ये सबकी एक ही बिलीफ होगा कि when he is more focused towards the game he is a better player. When he is a bit rattled and is more focused on proving a point he messes up. I think so usko thoda chill headed hi rehna chahiye, because aise agar wo performances deta rahega bhaiya usko prove karne ki koi zarurat nahi hai. The stats will prove themselves, the numbers will prove themselves, the dribbles percentage will prove themselves, and everything will give a brief point about the player ki ha this man is there. He is probably the best left winger on planet Earth, and his name is Vinicius Junior, and he plays for Real Madrid. अब बात करूं मैं रॉड्रिगो की तो कल रॉड्रिगो का भी डिसेंट रोल रहा. Of course, not the best games जो रॉड्रिगो का, but जो उसने गोल मारा वो was an exceptional beauty. और उसको भाई मैं यही कहना चाहूंगा चंद शब्दों में कि R9S था वो गोल, because आपको दिख रहा था he carried the ball, physicality decently used की and understanding की बॉल की. यहाँ पे कल आर्दा गुलर को भी थोड़ा टाइम दिखा और जिनमें उन्होंने आपको थोड़ी अपनी स्किल्स दिखाई. एंड मैं ये कहूंगा कि आर्दा के साथ लेट्स बी पेशेंट, लेट्स नॉट ड्रैग हिम इनटू द वो कि भैया आज आज ही खिला देते, आज ही खिला देते. बी पेशेंट. कार्लो एंसेलोटी इज वन ऑफ द फ्यू गाइज जो बहुत अच्छे से समझते हैं फुटबॉल को. और यार ऑनेस्टली अगर ये कोई पेप गार्डियोला या फिर यर्गन क्लॉप होते कि इनके साथ ऐसा हो रहा होता कि उनके पास सेंटर बैक नहीं है और तब भी विन निकाल रहे हैं तो पूरा मीडिया भरा होता, क्योंकि ये कार्लो एंसेलोटी है तो नो वन विल टॉक अबाउट इट. ऑनेस्टली फुटबॉल इज अनफेयर एट टाइम्स. ही इज द गॉड फादर ऑफ फुटबॉल, ही इज प्रोबेबली द गोट ऑफ मैनेजेरियल करियर्स पीरियड. द वे वी प्लेड अगेंस्ट जिरोना, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ गुड एंसेलोटीज टैक्टिक्स वर यस्टरडे. एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, नॉट वन स्टेप वाज टेकन व्हिच वाज रॉन्ग. वी डोमिनेटेड एवरीथिंग. परसेंटेज वाइज हम लोगों ने अच्छे शॉट्स लिए, हमने उनको कवर नहीं करने दिया, हमने सावियो वगैरह को तो गायब ही कर दिया था. एले घर से आके कोई प्रेजेंस नहीं दिख रही थी. युआन पे आज अपने आंसू रो रहा होगा कि भैया क्या हो गया मेरे साथ. एंड भाई दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड, एंड दिस इज रियल मैड्रिड. हाला मैड्रिड गाइज, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक से सब्सक्राइब पक्का करना. मैड्रिड पंडित्स को 12.5K तक पहुंचाओ एंड लेट्स गो. बाय बाय. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज.